कपूर साहब, अब तो हद हो गई, बुलाई ना विक्की साहब को। अरे भाई बगाड़िया सेठ, अब तो हमें विक्की बाबू के कुछ नाजो अंदाज को बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, क्योंकि कपूर साहब शराब की फैक्ट्री लगा रहे हैं, उसमें विक्की बाबू हिस्सेदार भी हैं और सबसे बड़े खरीदार भी हैं। जितनी भी शराब फैक्ट्री में बनेगी उसमें से आधी से ज्यादा विक्की बाबू ही पी जाया करेंगे। हाँ पी जाऊंगा, आधी से ज्यादा शराब तो मैं ही पी जाऊंगा, क्योंकि मैं शराबी हूं और वो शराब पीता हूं जो आप जैसे इज्जतदार लोगों की फैक्ट्री में बनती है। लेकिन मेरे शराब पीने से आप लोगों को इतराज क्यों? आज इस बोर्ड की मीटिंग में आप लोग क्या करने आए हैं? शराब की नई फैक्ट्री लगवाने आए ना, जहां लाखों शराब की बोतलें बनेंगी, हजारों शराबी और पैदा होंगे, इसका एहसास है आपको? अरे मेरे बाप के चमचों, मैं तो शराब पीता हूं लेकिन तुम लोग क्या पीते हो? इंसान का खून? विकी, मुझे शराब पीकर डगमगाता हुआ देखकर आप लोगों को हंसी आ रही, लेकिन अपना गिरेबान चीर कर तुम लोगों ने कभी अपने ईमान पे नजर डाली? वो तो एक धुत शराबी से भी ज्यादा डगमगा रहा है। विकी, विल यू कीप क्वाइट नाउ? कपूर साहब, व्हाट इज दिस? ये मीटिंग क्या हमें बेइज्जत करने के लिए बुलाई गई है? आपकी बेइज्जती कौन कर सकता है नाडा साहब? बेइज्जती तो उसकी हो सकती है जिसके पास इज्जत हो। दिस इज टू मच। अब तो हद हो चुकी कपूर साहब, अब हम और नहीं सुन सकते। कपूर साहब, आप अपने इस प्रोजेक्ट के लिए ऐसे आदमी चुन लीजिएगा जो आपके बेटे की गालियां सुनने के लिए तैयार हो। इसके बाद अगर मीटिंग होगी तो मेरे ऑफिस में होगी। चलिए। निकाल ली दिल की भड़ास, और अगर अब भी कसर बाकी है तो मुझे गालियां देकर अपने दिल की आग बुझा लो। ये लोग जो अभी अभी सब उठकर गए हैं, कभी किसी की जरूरत नहीं थी कि मेरे सामने सर उठाकर बात कर सके, और आज तुम्हारी वजह से ये लोग मीटिंग बर्खास्त करके चले गए। हाँ, ये तो वाकई बड़ा नुकसान हो गया डैडी। मेरी वजह से जो लोग आपके सामने सर झुकाया करते थे उनके सर उठ गए। मुझे नहीं मालूम था कि आप इतने गुलामी पसंद इंसान हैं। आपको तो गुलाम चाहिए जो मशीन की तरह बटन दबाए तो चल पड़े और बटन ऑफ करे तो रुक जाए। आज की दुनिया में अगर जिंदा रहना है तो दुनिया के बटन अपने हाथ में रखने पड़ते हैं, वरना यह दुनिया जिंदा नहीं रहने देगी। हाँ डैडी, लेकिन आप एक बात भूल रहे हैं कि आप जैसे तमाम बटन वालों के ऊपर भी एक बैठा हुआ है जिसके हाथ में मेन स्विच है। जिंदगी, तकदीर, ये सब असली करंट तो वहीं से आता है। उसने अगर किसी दिन मेन स्विच ऑफ कर दिया तो? मैं तुमसे बहस करना नहीं चाहता। आज तुमने मेरा बहुत नुकसान कर दिया है। मैंने तुम्हें जरूरी बिजनेस मीटिंग के लिए बुलाया था और तुम हो के यहां पर। बचपन से लेकर आज तक सिर्फ बिजनेस मीटिंग के लिए तो आपने मुझे बुलाया डैडी। जब से मैंने होश संभाला मुझे याद नहीं पड़ता कि बिजनेस के अलावा भी आपने मुझे किसी बात के लिए बुलाया हो। बुलाया आपने? तुमने होश संभाला ही कब था? एक लेबल की तरह शराब की बोतल से जो चिपके तो आज तक अलग ना हो सके। तुमने जिंदगी में शराब पीने और हंसने के अलावा और किया ही क्या है? शराब की बोतल पे अगर मैं लेबल की तरह चिपक गया हूं डैडी, तो इस लेबल को चिपकाने वाले आप हैं। और जहां तक हंसी का सवाल, मैं आपको बता दूं डैडी कि आज तक मैं अपनी जिंदगी में कभी हंसा नहीं हूं। मैं तो दुनिया की खोखली हंसी पर कहकहे लगाता रहा हूं। आपने तो दूर से सिर्फ उन कहकहों की आवाज सुनी है, कभी कई बाकर के उन कहकहों में बंद छलकते आंसू नहीं देखे। ये कहकहे, आंसू, जज्बात, ये बेकार और नकारा लोगों की बातें हैं। मेरे पास इन चीजों के लिए फुर्सत नहीं है। और फिर तुम किस बात पर आंसू बहाते हो? कौन सा सुख नहीं है तुम्हारे पास? क्या कुछ नहीं दिया तुम्हें?
हां डैडी, आपने मुझे वो सब दिया जिसे बाजार से खरीद के घर में सजाया जा सकता है, मगर वो सुख कभी नहीं दिया जिसे एक दिल में सजाया जा सके। तुमने फिर वही बातें शुरू कर दी। मैंने कितनी दफा कहा है कि ऐसी फजूल बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। ठहरिए डैडी, जहां इतनी फिजूल बातें हो चुकी हैं वहां थोड़ी और सही। आपको देखकर मुझे उस राजा की कहानी याद आएगी जिसे यह वरदान था कि वो जिस चीज को छू लेगा वो सोने की बन जाएगी। एक दिन गलती से राजा ने अपनी औलाद पे हाथ रख दिया और वो सोने की बन गई। राजा बहुत रोया, लाख पछता है, लेकिन फिर वो पुतला इंसान नहीं बन सका। आपकी कहानी भी यही है डैडी, इसीलिए आपने बचपन से लेकर आज तक मुझे अपने से दूर रखा, कभी करीब नहीं आने दिया। आपने तो वो गलती भी नहीं की जो उस राजा ने की थी, न कभी मुझे गोद में उठाया, न कभी सीने से लगाया, क्योंकि आपको यह डर था कि कहीं आपने मुझे छू दिया तो मैं भी सोने का ना बन जाऊं। मैं सोने का बन गया तो मेरे नाम पर आपने ये जो करोड़ों का कारोबार शुरू किया हुआ है, इसके कागजात कौन साइन करेगा, तो आपके चेक्स कौन साइन करेगा? डैडी, मैं एक बार आपको हंसते मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूं, एक बार अपनी इस दौलत की दुनिया से बाहर निकल के तो देखिए। इस दौलत की दुनिया ने मुझे शराब में डुबोकर एक बेकार चलती फिरती लाश बना दिया। डैडी मैम, तू दीवारों से बातें कर रहा है बेटे? कपूर सब गए,